In this section, I will be describing the various types of human and technology risks that a firm or a business entity faces. So, firstly, I will be describing the human risks. So, these are the risks that a firm faces because of the human, human resource or the people who are working with that firm. So, there can be a possibility that वन ऑफ योर employees योर की employees गेट्स ill और इट ही और शी गेट्स इंजर्ड तो अभी उसके बीमारी से या उसके चोट लग जाने की वजह से आपका वो काम जो कि बहुत कोई इम्पोर्टेंट अहम काम है आपके लिए आपने कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है जो कि ड्यू है एक दो दिन में और जो बंदा उसके ऊपर मेन लीड उसके ऊपर काम करा था वो बीमार हो जाता है या उसको चोट लग जाती है तो इस केस में फिर आपको आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इस अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इस एक आदमी की वजह से हमारा काम नहीं रुकना चाहिए फाइन सो so, ये वाली रिस्क की एलिमेंट को आपको काउंट फॉर करना है सिमिलरली देर आर पीपल जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बट दे गेट एडिक्टेड टू सर्टन ड्रग्स या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मना की होती हैं जो कि हमारे परफॉर्मेंस को इन्फ्लुंस करती हैं ख़राब करती हैं और हमारे प्रॉपर uh, हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते आपने गिवन टास्क हो तो आप एज अ फर्म वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अनादर पॉसिबिलिटी जहाँ हमें ह्यूमन रिस्क को बियर करना पड़ सकता है तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है जो डिवाइस किया गया है किताबों में और प्रैक्टिस से वो ये है कि जब इंटरव्यू uh, करते हैं लोगों को आपने हायर करना है तो फिर उनका कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होता है उनकी साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं आप वहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि इनकी नेचर ऑफ पर्सनैलिटी कैसी है ये हेल्दी हैं हमेशा प्रिफर किया जाता है यंग एंड हेल्दी एनर्जेटिक इंडिविजुअल्स को लोग भर्ती करते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके पीछे यही नुक़ः नज़र देखा रखा जाता है कि ह्यूमन रिस्क ना से कम अज़ कम एक्सपोज हो आपकी जो वर्किंग है या जो फॉर्म का जो काम है वो इस वजह से इन्फ्लुंस ना हो देर इजर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वी नीड टू लुक एट के हैव बीन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जिसमें फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट होते हैं फ्रॉड्स होते हैं थेफ्ट हो जाते हैं तो अगैन दिस इज दिस टाइप ऑफ अ रिस्क कैन ऑल्सो बी देयर वेन वी आर रनिंग अ बिजनेस के उसमें जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उन उन्होंने मिलजुल के कुछ इस तरह की कोई फाइनेंशियल लॉसेस हमें पहुंचाए या पैसे गायब कर दिए कुछ भी इस तरह से तो उसके लिए भी अगैन देर आर वेज कि आप uh, कुछ सिस्टम अपना जो अकाउंटिंग का है उसमें आपने डबल सिग्नेचर की प्रोसेस को इन्वॉल्व किया हुआ है दो uh, सिग्नेचर्स नहीं होंगे तो चेक कैश नहीं होगा इ इसी तरह से आपने देखा होगा कि कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स को रोकने के लिए जो पेएबल्स uh, uh, होते हैं उनकी डबल वेरिफिकेशन होती है पासवर्ड जाता है या एक लाख रुपए से आजकल पाकिस्तान में आपने देखा होगा एक लाख रुपए से बड़ा चेक आप लेने जाएँ कैश करने के लिए जाएँ तो या आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करनी है मनी इफ द अमाउंट इज मोर देन हंड्रेड थाउजेंड रुपीज तो दे ऑलवेज कॉल द बैंक मैनेजर ऑलवेज कॉल्स द पर्सन जिसने चेक लिखा हुआ होता है उसको तो इसका मतलब है कि वो वेरीफिकेशन करें ताकि कोई इस तरह की फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स ना हो तो देर हैव बीन अ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जहाँ फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स होती हैं और रिस्क को कम करने के लिए बैंक्स ने भी बहुत से ऐसे तरीके बनाए जिससे रिस्क को मैनेज किया जाता है यानी कि इस तरह की पैदा होने वाली सूरत हाल को पहले से ही कंट्रोल कर लिया जाता है राइट तो उसके लिए बहुत से तरीके हैं अभी आपने जब मोबाइल के जब आप अपने ए के थ्रू पेमेंट करते हैं सॉरी आपने डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वहाँ आपको पासवर्ड डालना पड़ता है आपको पिन डालनी पड़ती है वेरिफिकेशन के वास्ते तो दीज़ आर द वेरियस वेज दैट है डिवाइज जस्ट टू कट डाउन द पर्सनल ह्यूमन लेवल का ह्यूमन की वजह से जो रिस्क से फर्म्स एक्सपोज हो रही हैं उस चीज़ को कट डाउन करने के लिए तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इसलिए लोग बहुत रिगरस चेक करते हैं इंडिविजुअल्स को भर्ती करने के वास्ते एक लेंथी प्रोसीजर से गुजारा जाता है इन सर्टन गुड ऑर्गेनाइजेशन और उसके पीछे मकसद यही होता है कि जो इस तरह कोई प्रॉब्लमेटिक इंडिविजुअल्स हैं उनको हम ना भर्ती कर लें जो कि आके हमारे लिए परेशानी का बायस बने या हमारा जो रिक्स, रिस्क एक्सपोजर है उसको इंक्रीज कर दें तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सिमिलरली देर कुड बी टेक्नोलॉजी रिस्क तो वो तमाम रिस्क जो के हैपन होते हैं टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस की वजह से या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उसको हम रिस्क कहते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी आउटेज है पाकिस्तान में बहुत कॉमन है तो बिजली चली गई तो आपका अगर स्टिचिंग यूनिट है काम नहीं हो सकेगा डाइंग यूनिट है काम नहीं हो सकेगा या इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करने वाली प्लांट है कोई मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की है जहां बिजली का इस्तेमाल के बगैर मशीनें नहीं चलेंगी तो पावर आउटेज से कुछ भी काम नहीं होगा तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आई थी आज से चंद साल पहले तो फिर बहुत से ऐसे टेक्सटाइल यूनिट्स हैं जिन्होंने उस स्वेयर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के अंदर सर्वाइव किया वो वो थे जिन्होंने अपने जनरेटर्स बिजली के जनरेटर्स लगाए उसके ऊपर उन्होंने अपना प्रोडक्शन प्रोसेस डिपेंडेंट किया वो सरकार की बिजली पे डिपेंडेंट नहीं थे लिहाजा दे मैनेज टू सरवाइव टू से इम्पॉर्टेंट कि आपको असेस करना है कि कौन कौन से पॉसिबल रिस्क हैं जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से आपको एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे एज अ फॉर्म तो और ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम तमाम रिस्क टेक्नोलॉजी रिस्क या जो भी हमने रिस्क अभी तक डिस्कस किए वो सेम हो हर तरह के बिजनेस के लिए एवरी बिजनेस इज एक्सपोज टू अ डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर्स तो उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कौन से रिस्क इंपॉर्टेंट हैं ज्यादा बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं आपको उसको एनालाइज करना है और जब आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे तो ही आप उसकी मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो अभी जैसे टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन के जो डिवाइस हैं उनमें कोई मसला हो जाता है अक्सर कभी आपने देखा होगा जब मुहर्रम होता है या कोई स्ट्राइक्स हो जाते हैं कुछ भी इस तरह का मसला है तो टेक्निकल जो आपके कम्युनिकेशन के वेज हैं इंटरनेट और मोबाइल सर्विस सस्पेंड हो जाती है उन दो दिनों के लिए तौर पे जैसे अभी मुहर्रम में अक्सर ऐसे देखा गया तो उस केस में अगर आपने कोई बिज़नेस के कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स करने हैं या आपका कोई आप पाकिस्तान में तो उन दिनों छुट्टियाँ होती हैं लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में या ऐसे मुल्कों के साथ आपका बिज़नेस है जहाँ आशूरा की छुट्टियाँ नहीं मनाई जाती और मोबाइल सर्विस बंद हो गई है तो फिर आप अपने बिज़नेस को कैसे काम करेंगे उसके उस पर्टिकुलर चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो क्या करती हैं वो अपना एक कम्युनिकेशन का सिस्टम इस्तेमाल करती हैं जो कि नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर कम्युनिकेशन सर्विसेज पे डिपेंड नहीं कर रहा होता उनका अपना डिवाइस किया होता है सिस्टम उन उसके मुताबिक वो उसके थ्रू वो अपनी कम्युनिकेशन को जारी रखते हैं ताकि इस किस्म के नुकसान ना हो सके सो फॉर अ बेटर रिस्क मैनेजमेंट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क टू विच योर बिजनेस इज एक्सपोज टू और जब तक आप उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप उसकी प्रॉपर असेसमेंट नहीं कर सकते और जब प्रॉपर असेसमेंट नहीं करेंगे तो आप उसके उसकी मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द होल प्रोसेस